हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करेंगे हमारे क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो आपके ऑपरेटर्स की पहली स्लाइड थी, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए थे ऑपरेटर्स के, उन ऑपरेटर्स पर बात करेंगे क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज एन नॉट एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपको याद होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। आपका इंटीजर डिवाइडेंड था, आपका रिमाइंडर था, मॉडुलस था, और साथ में आपके पास एक्सपोनेंशियल मींस, ये आपके सात अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो इट मींस आपके पास यहां से क्लियर हो रहा है, ये एडिशन का हो गया, ये आपके रिमाइंडर बताने के लिए हो गया, और ये मल्टीप्लाई के लिए हो गया आपके पास। मींस इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, आपका सी बन जाएगा, ठीक है। और ख्याल रखिए, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल, सेकंड क्वेश्चन में बात करें उससे पहले बात करते हैं कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि पाइथन लर्निंग पर आपको हाउ टू लर्न पाइथन, आप जो भी इस पर वीडियो है वो आप सबसे पहले देख पाए, ठीक है। व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट क्या होगी आपके पास, 5 - 9/3। आपको पता है बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग पहले आपकी डिवाइड होगा, इट मींस आप 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 5 माइनस डिवाइड करके 3 आ गया, फिर माइनस करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, 2। प्रिंट आप करके देखेंगे इस प्रोग्राम को, आपने देखा होगा, प्रिंट करवाके, इट मींस इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही आपके पास, ठीक है। रीजंस मतलब कि इनको हमने प्रेफरेंस देने उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके पास देखिए डिवाइड है, ये प्लस का सिंबल है, और ये ब्रैकेट के अंदर भी आ गया तो भी आपको क्लियर होगा कि ब्रैकेट के अंदर जो प्लस है, जो भी कुछ होता है हम उसको प्रेफरेंस देते हैं हमारे पास, क्योंकि आपने पढ़ा था हाईएस्ट जो प्रेफरेंस दी जाती है वो ब्रैकेट्स के अंदर बन जो फंक्शन है उनको दी जाती है। अगर आप देखें, आपको इस वीडियोज में आपको दिखाया गया था, ये आपको डिस्क्रिप्शन में सारे दिए गए थे कि किनको प्रेफरेंस देनी है, और उससे पहले हाईएस्ट प्रेजेंस ऑपरेटर इज ब्रैकेट्स, आपकी ये ब्रैकेट के अंदर होंगी आपके पास, ठीक है। और यहां तो वैसे आपके पास दोनों ही चीजें एप्लीकेबल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डिवाइड किया आपने 13 को 11 से, 3 हो जाएगा प्लस 5, तो आपके पास आपका क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, 8। तो ये आपके क्वेश्चन ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, क्लियर। इस प्रकार से अपने ये क्वेश्चन आपके ऑपरेटर्स की पहली जो हमारी पीडीएम थी उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर योर सर्विस स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों से इसको जरूर शेयर करें। अन्य किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।